दोस्तों आज हम कंप्यूटर में यूज होने वाले कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट की जानेंगे और उनका प्रैक्टिकली यूज करना सीखेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। कंट्रोल के साथ ए प्रेस करने पर हम पूरे पेज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं अथवा फाइल्स व इमेज को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ बी प्रेस करने पर हम लिखे हुए टेक्स्ट को बोल्ड या मोटा कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ सी प्रेस करने पर हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट, इमेज व डॉक्यूमेंट को कॉपी कर सकते हैं। बस आपको इस तरह टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी प्रेस कर देना है, कंट्रोल के साथ सी। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। पेस्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल वी। कंट्रोल के साथ मैंने वी पेस्ट किया, जो भी मैंने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करने पर फॉन्ट ऑप्शन आता है, जिसमें हम फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिसमें हमें नीचे फॉन्ट कलर करने का भी ऑप्शन मिलता है। कंट्रोल के साथ ई प्रेस करने पर हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पेज के बीचों बीच ला सकते हैं। मैं पेज के लेफ्ट साइड में टेक्स्ट लिख रहा हूं और इसको सेलेक्ट कर दिया। कंट्रोल के साथ ई प्रेस करने पर यह पेज के बीचों बीच या सेंटर में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एफ प्रेस करने पर हम लिखे हुए टेक्स्ट को खोज सकते हैं या हमें फाइंड का ऑप्शन प्राप्त होता है। तो मान लीजिए मुझे इस पेज से किसी टेक्स्ट को खोजना है, तो मैं कंट्रोल के साथ एफ प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस प्रकार का फाइंड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मैं मान लीजिए जी लिख रहा हूँ, मुझे जी जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे जाना है। तो जिस टेक्स्ट को फाइंड करना है हम उसे यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करने पर हम किसी विशेष पेज पर जा सकते हैं। आपके सामने गो टू का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे पेज नंबर लिखना है और नेक्स्ट कर देना है। जो भी पेज नंबर आप लिखोगे उस पे आप पहुँच जाओगे। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ एच प्रेस करने पर हम टेक्स्ट की गलतियों को सुधार सकते हैं, जिसमें आपके पास टेक्स्ट को रिप्लेस करने का एक ऑप्शन आएगा। इसमें पहले ऑप्शन में आपको जिस टेक्स्ट को बदलना है आप उसे लिखेंगे और ऊपर वाले के जगह पर जो भी टेक्स्ट लिखना है उसे यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं दूसरे ऑप्शन में यहाँ पे AS लिख रहा हूँ। आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका पुराना टेक्स्ट जो है हाईलाइट हो जाएगा, जिसको आपको बदलना है। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करने पर पूरे पेज में जहाँ जहाँ पर भी कंट्रोल लिखा हुआ है वह एक साथ रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन रिप्लेस पर क्लिक करने पर एक ही टेक्स्ट बदलेगा। तो यहाँ देखिए AS हो गया, कंट्रोल के जगह पर AS हो गया है। तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और फिर से यहाँ कंट्रोल कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ आई प्रेस करने पर हम लिखे हुए टेक्स्ट को तिरछा या इटैलिक कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये टेक्स्ट जो है तिरछा या इटैलिक हो गया है। कंट्रोल के साथ जे प्रेस करने पर हम टेक्स्ट को दोनों तरफ से बराबर कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल के साथ के प्रेस करने पर हम डॉक्यूमेंट का लिंक ला सकते हैं, जिसे हम हाइपरलिंक बोलते हैं। कंट्रोल के साथ के प्रेस करने पर आपके सामने इस प्रकार का एक आयताकार बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें आपके पुराने डॉक्यूमेंट दिए होंगे। आपको किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पे वह लिंक के रूप में आ जाएगा। कंट्रोल के साथ एल प्रेस करने पर हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए हम कंट्रोल के साथ एम प्रेस करते हैं।
कंट्रोल के साथ एन प्रेस करने पर हम नया पेज ओपन कर सकते हैं, जिसका ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में भी मिलता है। कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करने पर हम सेव किए गए पुराने डॉक्यूमेंट, इमेज व फाइल को ओपन कर सकते हैं। आपके सामने इस प्रकार का बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें आपको फाइल, इमेज व डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके ओपन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस पी का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ पी प्रेस करने पर इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें आपको आपके को कितने डॉक्यूमेंट के कितने कॉपी चाहिए यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे। एक्टिव विंडो को बंद करने के लिए हम कंट्रोल प्लस क्यू का यूज करते हैं। कंट्रोल के साथ आर प्रेस करने पर हम टेक्स्ट को राइट साइड से लिख सकते हैं। आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाएगा। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने पर हम बनाए गए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एस प्रेस करने पर आपके सामने इस प्रकार का एक बॉक्स ओपन होके आएगा, जिसमें आपको फाइल नेम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि उसे आपको पीडीएफ में सेव करना है या जेपीजी में सेव करना है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। फाइल को आपको डेस्कटॉप पर सेव करना है या कंप्यूटर के ड्राइव में सेव करना है, आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। तो मैं कैंसिल पर क्लिक कर देता हूँ। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करने पर हम रूलर पर टैब ऑप्शन सेट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ यू प्रेस करने पर हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन ला सकते हैं। कंट्रोल के साथ वी प्रेस करने पर हम कॉपी या कट किए हुए टेक्स्ट व इमेज को पेस्ट कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी दबाना है, जिससे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा, और यहाँ कंट्रोल वी दबाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करने पर आप प्रोग्राम से बाहर जा सकते हो। कंट्रोल के साथ एक्स प्रेस करने पर हम सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट व इमेज को मूव या कट कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करने पर हम अंडो किए गए टेक्स्ट को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वहीं कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करने पर हम अंडो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। फिर मैं लौटूंगा ऐसे ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।